पूर्णिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव लग गया है। आज 9 जिला पार्षदों ने अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन पूर्णिया जिलाधिकारी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष को सौंपा है और सबों ने अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक बुलाने की मांग की है। पार्षदों का दावा है कि उनके साथ 25 जिला परिषद हैं, जो जिला परिषद अध्यक्ष के कार्यों से खुश नहीं हैं। पार्षदों का आरोप है कि योजना मद में 60 करोड़ रुपया है, मगर उसका 5% भी खर्च नहीं किया गया है। बता दें कि पूर्णिया जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 34 है। वर्तमान में वहीदा सरवर जिला परिषद की अध्यक्ष है, जो मात्र 4 वोट से जीतकर अध्यक्ष बनी थी। वहीं 15 वोट लाकर रुपौली विधायक बीमा भारती की पुत्री अध्यक्ष पद का चुनाव हार गई थी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव लगने के बाद राजनीतिक दलों को भी इसमें एंट्री शुरू हो गई है। अब जमकर हॉर्स ट्रेडिंग होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। के हम लोग का जीते हुए लगभग 2 साल हो चुका है। 2 साल में जो हमारा मद है, सष्टम हो, पनलंबित मद हो या आंतरिक मद, तो हमारे पास ढेर पैसा रुपया मद पड़ा हुआ है। हम लोग बार बार हर बैठक में बोलते हैं कि हम लोग क्षेत्र से जीत के आए हैं और आपको बनाए हैं। हम लोग चाहेंगे कि समुचित विकास हो, साथ ही पूर्णिया जिला परिषद की जो संपत्ति है पूरे जिला में, जो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे सामाजिक विकास के लिए अगर हमें यात्री सेट बनाना है, सामुदायिक शौचालय बनाना है, पुस्तकालय बनाना है या बुनियादी समस्याएं जो लोगों का है उसके लिए ज़मीन हम लोग अगर खोजते हैं तो अनापत्ति सीओ साहब भी नहीं दे पा रहे हैं। बार बार जिला अभियंता पूर्णिया जिला परिषद से भी चिट्ठी भेजा जा रहा है, जिसके चलते हम लोग का योजना आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोग बैठक के माध्यम से चाहते हैं अपने अध्यक्ष से कि आप अपनी शक्ति के माध्यम से, जो आपकी शक्ति आपकी जो ताकत है, सभी पार्षदों को एक साथ लेकर के काम करें। लेकिन कई बैठक में बात रखी गई, लेकिन अब वो अध्यक्ष जाने क्या मामला है। हम लोग अपने क्षेत्र हित के लिए अविश्वास लगाए हैं। परिचय बताइए। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद, जिला पार्षद, क्षेत्र संख्या 9। देखिए, अध्यक्ष महोदया के द्वारा जो है सदन में जो 15 वित्त में काम होना चाहिए, 6 वित्त में काम होना चाहिए, सिस्टम में काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो रहा है, क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। हम लोग जनता के विश्वास से, मत से जीत कर जिला परिषद सदस्य बने, लेकिन 2 वर्ष होने को चला, अभी तक हम लोग जनता के प्रति वो विश्वास नहीं कायम कर पाए जो करना चाहिए। हमको जो भी भारत सरकार और बिहार सरकार से फंड मिलता है जिला परिषद सदस्य को, उसका उचित लाभ हम लोग पंचायत स्तर पर आम नागरिकों को नहीं दे पा रहे हैं। कोई प्रगति का कार्य नहीं हो रहा है, पूरे जिला में कार्य व्यवस्था जिला परिषद के द्वारा ठप है और अध्यक्ष महोदया के द्वारा हम लोग सभी सदस्य मिलकर बार बार आग्रह किए, लेकिन उनके द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए हम लोग जो है अध्यक्ष महोदया के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी डीएम साहब के यहाँ हम लोग चिट्ठी रिसीव करवाए हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के यहाँ रिसीव करवाए हैं और जिला परिषद अध्यक्ष वहीदा सरवर को हम लोगों ने पत्र दिया। तीनों की रिसीविंग प्राप्त कर चुके हैं और हम लोग आगे अब सदन में जो है अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में सपोर्ट में बात करेंगे। जब काम की बात आ रही है तो क्या चेयरमैन ही इसका दोषी है या फिर अधिकारी भी दोषी? आप लोग अधिकारी, अब देखिए, अब ऐसा है महोदय कि हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष को मानते हैं, अधिकारी उनके अंडर में है, हम अधिकारी को नहीं कह सकते। हम अपने अध्यक्ष महोदय को कहेंगे और अध्यक्ष महोदय के द्वारा अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग तो निश्चित रूप से जो है सभी पार्षद आक्रोशित हैं और उनके विरोध में हैं। क्षेत्र में काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो अगली बार हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे अपने क्षेत्र में? इतना हम लोग जो इतना ज़्यादा मत लेकर के जीत करके आए हैं तो जनता हमारे प्रति जो है तो रोष तो व्यक्त करेगी ही ना। अगर काम नहीं होगा क्षेत्र में तो अभी कोई विकास नहीं हो रहा है, एकदम सब ठप है। इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए। कितने लोग हैं आपके समर्थन, आपके पक्ष? हम लोग पूरा बहुमत में हैं।
अविश्वास प्रस्ताव? हाँ, हम लोग समझिए कि 25 जिला परिषद एक साथ हैं, 25 की संख्या हम लोगों के साथ है। अविश्वास लगाना? हाँ, अविश्वास लगाए हैं 25 मिल करके। परिचय बताओ। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है, हम क्षेत्र संख्या 13 से जिला परिषद सदस्य हैं, सह सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष जिला परिषद पूर्णिया से। हमारे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है, मैं देखती हूँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उस पर विचार करेंगे।